हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उनके लिए है जिनकी प्रेगनेंसी के बाद पेट निकल गया है और वो चाहते हैं साड़ी में एक बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करना। ठीक है, मेरी भी प्रेगनेंसी के बाद पेट निकल गया था, लेकिन आप देख सकते हैं मैं कितनी स्लिम दिख रही हूँ साड़ी पहनने के बाद भी। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फुटवेयर ऑलरेडी पहन रखा है और जो पेटीकोट है वो मैंने नेवल से नीचे ही बांधा हुआ है, ऊपर नहीं बांधा है। मेरा जो शैगी पेट है वो मैंने हाफ कवर किया है पेटीकोट से। अब आप देख सकते हैं साड़ी का जो मैंने फर्स्ट पोर्शन है वो पहले से ही लेंथ को नापते हुए मैंने हल्का सा बीच में से टक किया और फिर पूरी साड़ी को अंदर कर लिया। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से टक करेंगे एंड फिर उसके बाद सर्कल लेते हुए, हाफ सर्कल लेने के बाद दोबारा से जिस साइड फर्स्ट पोर्शन हमने टक किया था उसी साइड दोबारा से हम टक करेंगे साड़ी के फैब्रिक को। ऐसा करने से ये बेनिफिट होता है कि जो बैक साइड का जो पोर्शन है वो आपका इक्वल टक होता है और आपको अंदाजा लग जाता है कि इतना ही साड़ी का पोर्शन हमें पेटीकोट में टक करना है। देन इसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे एक जो फर्स्ट पोर्शन जब मैंने टक किया था उधर का फैब्रिक ऊपर है और दूसरे साइड का जो फैब्रिक है वो नीचे है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर फैब्रिक को थोड़ा सा और लेते हुए साड़ी के और फिर पेटीकोट में टक कर दे रही हूँ। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा साड़ी का जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो अच्छे से ऊपर की तरफ होना चाहिए ताकि हमें प्लीट्स बनाते वक्त हमारी जो अंदर वाला जो साड़ी का फैब्रिक है वो दिखाई ना दे। ठीक है, अब पल्ले वाले पोर्शन को लेके आके बैक साइड से और शोल्डर पे रख देंगे। ये मैं आपको साड़ी जो पहन के दिखा रही हूँ ये मैं आपको दो पार्ट में करके दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप साड़ी प्रॉपर तरीके से पहन सकें। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लेंथ देखते हुए ये मेरी नेवल है। ठीक है, नेवल से मैंने दो उंगल आगे की तरफ साड़ी की फर्स्ट प्लीट ली है एंड हमेशा ध्यान रखना जो फर्स्ट प्लीट होती है ना वो थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए बाकी प्लीट से। ठीक है, बाकी प्लीट के कंपेयर से वो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी होनी चाहिए। देन उसके बाद आप बाकी की जितनी भी प्लीट्स बनाएं वो आप थोड़ा कम चौड़ा रख सकते हैं। ये इससे क्या फ़ायदा होता है ना, जो फर्स्ट प्लीट बार बार पीछे की तरफ भागती है एक तो वो नहीं होता और जो साड़ी है वो उसकी प्लीट्स प्रॉपर अरेंज हो जाती हैं। अब इन प्लीट्स को मैं दोबारा से एक एक करके अच्छे से इक्वल अलाइन करते हुए और सारी प्लीट्स को अरेंज करते हुए फिर उसके बाद सेट करके टक कर दूंगी पेटीकोट के अंदर। ठीक है, अब कई बार हम ये गलती करते हैं कि बस हमने फ्रंट की तरफ से अलाइन कर दिया, पीछे की तरफ से हम नहीं करते, जिससे पीछे की साइड का जो प्लीट्स है नीचे की तरफ से वो दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है, उसको भी ऊपर से खींच लेना। ये देखिए मैंने इस तरीके से पहले जो ये फैब्रिक है ये मैंने पीछे वाला जो फैब्रिक है वो मैं पेटीकोट के अंदर टक करूँगी। प्लीट्स मैंने ऑलरेडी पकड़ी हुई हैं, पहले उनको मैं पकड़ते हुए सेट करूँगी और फिर उसके बाद जो प्लीट्स हैं उनको टक कर दूँगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा करने से आपकी एक ही बार में सारी प्लीट्स सेट हो जाती हैं, अरेंज हो जाती हैं और आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होता। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा पीछे की तरफ पेटीकोट में टक कर देना है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि जो लास्ट का जो प्लीट है वो मेरा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उसको आप अंदर की तरफ हाथ करते हुए अंदर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्लीट्स हैं वो प्रॉपर अरेंज हो चुकी हैं। अब सेकेंड पार्ट में मैं शोल्डर प्लीट्स बताऊंगी और उस टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्लीट्स बनाते वक्त, शोल्डर प्लीट्स बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरा जो टमी एरिया था वो कितने अच्छे से कवर हो चुका है और आप देख सकते हैं कि जो मेरी साड़ी है वो कितनी अच्छे से अरेंज हो गई है। शोल्डर प्लीट के लिए मैंने किन किन टिप्स का यूज़ किया है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको इसका सेकेंड पार्ट देखना होगा और उसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ बना रहना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।